किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, क्योंकि हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी कर्ट रिचटर के एक्सपेरिमेंट की। 1950 के डेकेड में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मशहूर साइंटिस्ट हुए, मशहूर प्रोफेसर हुए कर्ट रिचटर, जिन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो दुनिया में बड़ा सराहा गया, बड़ा प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने एक पानी का जार लिया, उसमें पानी भर लिया, उसके बाद में चूहों को अपने साथ में रखा और चूहों के साथ में एक्सपेरिमेंट किया। चूहा उठा करके उन्होंने उस जार में फेंका, चूहा तैरता रहा और थोड़ी देर के बाद में डूब गया। जार हटा दिया, चूहा हटा दिया, नया जार लेकर आए, पानी भरा, फिर से एक चूहे को उसमें डाला। उस चूहे ने कोशिश की तैरने की, बचने की, सर्वाइव करने की, और थोड़े टाइम के अंदर जब वो डूबने वाला था, कर्ट रिचटर ने उस चूहे को, लगभग 15 मिनट हुए होंगे उसकी कोशिश को देखते हुए, वो डूबने वाला था 15 मिनट के बाद कि तभी उसे बाहर निकाल लिया, उसे सहलाया, उसे सराहा, उसे थोड़ा सुखाया क्योंकि पानी में भीग गया था, और उसके बाद में फिर से उसे एक दूसरे जार में डाल दिया जिसमें उतना ही पानी भरा था। कर्ट रिचटर को लग रहा था कि 15 मिनट इसने पिछली बार सर्वाइव किया है, शायद इस बार यह आधे घंटे तक सर्वाइव करेगा, उसके बाद मुझे इसे बचाना पड़ेगा। लेकिन कर्ट रिचटर को उस चूहे ने सरप्राइज दिया। एक घंटा बीत गया, चूहा नहीं डूबा, वो कोशिश करता रहा, तैरता रहा कि काश वो बाहर निकल जाए, जिंदगी उसकी बच जाए। दूसरा घंटा बीता, तब भी उसको यही कोशिश में वो लगा हुआ था, उसको कुछ नहीं हुआ। तीसरा घंटा हो गया, उसे कुछ नहीं हुआ। घंटे पर घंटे बीतते गए, 60 आवर्स तक वो चूहा सर्वाइव करता रहा, स्ट्रगल करता रहा कि कोई उसे बचा ले। वो डूबा नहीं बल्कि तैरता रहा, कोशिश करता रहा बाहर आने की, बाहर निकलने की। कर्ट रिचटर ने 60 घंटे के बाद उस चूहे को बाहर निकाला और इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया द होप एक्सपेरिमेंट। कर्ट रिचटर ने कहा कि चूहा जब पहली बार जार में गया तो 15 मिनट के आसपास ही वो डूबने लगा था, मरने वाला था, मैंने उसे बाहर निकाल लिया। दूसरी बार जब मैंने उसे जार में फेंका तो दूसरी बार उसने टाइम लिमिट को ध्वस्त कर दिया, 15 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटे, 60 घंटे तक वो चूहा सर्वाइव करता रहा। क्यों? क्योंकि उसे होप थी, उम्मीद थी कि वो हाथ आएगा और उसे बाहर निकाल लेगा, बचा लेगा। पहले 15 मिनट जब उसे मैंने बाहर निकाल लिया तो उसे मालूम था कि कोई ना कोई आएगा मुझे बचाने के लिए, बस इसी उम्मीद में वो तैरता रहा और उसने 60 घंटे का सफर तय किया। द होप एक्सपेरिमेंट से जो हम सीख सकते हैं हमारी जिंदगी में, हम भी कई बार ऐसे जार में फेंक दिए जाते हैं, समस्या के समंदर में डूब जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि करना क्या है, तैरना है या डूबना है, कोई बचाने वाला आएगा कि नहीं आएगा। ये जो जार होता है ना, जो समस्या का जार होता है जिसमें हम गिर जाते हैं, हमें फेंक दिया जाता है प्रॉब्लम में, अगर हम वो 15 मिनट में ही गिव अप कर देंगे तो डूब जाएंगे, हार मान लेंगे। लेकिन अगर हमने हार नहीं मानी, हम उस उम्मीद में रहे कि कोई हाथ आएगा, वो हाथ आएगा जिसने हमें समस्या में फेंका है, उस जार में फेंका है, वही हमें बचाने के लिए आएगा, तो मुझे लगता है कि हम बच जाएंगे और जीत हमारी होगी। वो ऊपर वाला भी हमारे साथ में ऐसे एक्सपेरिमेंट करता रहता है, वो देखता है कि किसके पास में उम्मीद बाकी और किसने उम्मीद हार दी है। ये जो उम्मीद है इसका साथ मत छोड़िएगा, उम्मीद का हाथ आएगा और आपको 60 घंटे पूरे होने से पहले ही बाहर निकाल लेगा। जिसने फेंका है वो आपको बचा भी लेगा, उस पर भरोसा रखिएगा। द होप एक्सपेरिमेंट की मजेदार कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बता सकते हैं, और याद रखिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देख सकते हैं आप एक नई कहानी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। जाते आते बस यही कहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।